अच्छा बच्चों, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें यार बता रहे अरेंज द गिवन इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इन नंबर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा जो होता है वो पहले होता है, फिर इसके बाद छोटा, फिर इसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह। फॉर एग्जाम्पल 10 अगर बड़ा है तो 10, 9, 8 इस तरह छोटे जाएंगे। 10, 9, 8, 7 फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह जो है ना छोटे की तरफ हम चले जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें ये बता रहा है कि इसमें इसको हमने डिसेंड इन चार नंबर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमें पता है कि सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स सबसे बड़े होते हैं, ये आप लोग जान लें। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स इसमें कौन कौन से हैं? ये है, ये है, ये दोनों पॉजिटिव है। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि 12 इसमें बड़ा है, 7 से 12 बड़ा है, तो 12 पहले लिख दिया। से अगर प्लस ना भी लिखे तो भी ठीक, तो ये तो हो गया। अच्छा, इसका काम तो तमाम हुआ। अब इसके बाद 7 बड़ा है, ठीक है, तो 7 हुआ पॉजिटिव नंबर्स, अब हमने दोनों लिख दिए। अब आते हैं नेगेटिव नंबर्स की तरफ। तो नेगेटिव में इन दोनों में सबसे बड़ा जो होगा वो हम पहले लिखते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? ये 17 बड़ा है, लेकिन अगर इसके साथ माइनस लिख दिया ना तो फिर ये सबसे छोटा बन जाता है। माइनस के लगाने से बड़ा नंबर छोटा बन जाता है, मतलब ये बड़ा नहीं है, फिर ये बड़ा है इससे। तो फिर हम कौन सा उठाएंगे? ये उठाएंगे, तो -3 इससे बड़ा है, ठीक है, -3 बड़ा है, और ये अकेला बाकी बच गया अभी बेचारा, तो ये लास्ट में लिख लें। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा छोटा छोटा, लास्ट में ये सबसे छोटा है, ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब हमारा पार्ट बी है, तो पार्ट बी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। डिसेंडिंग में सबसे पहले हम बड़ा वाला उठा लेते हैं, और बड़े वाले पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव इसमें कितने हैं? ये वाला है और ये वाला, ये दोनों पॉजिटिव है। इसमें बड़ा कौन सा है? 15 है, ठीक है, तो 15 हमने पहले उठा लिया, अगर प्लस ना भी लिखे तो भी ठीक है, तो 15 तो हो गया। बस 15 के बाद कौन सा है? 9 है, तो ये दोनों हमने पॉजिटिव सबसे पहले मुकम्मल कर ली, ठीक है। अब हम इन नेगेटिव में हम सबसे बड़ा ढूंढेंगे, नेगेटिव ये दोनों है, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये 6 बड़ा है, लेकिन इसके सामने माइनस है, तो माइनस लगाने से और भी छोटा हो गया, तो मतलब ये छोटा है, तो फिर कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, तो मतलब ये -4 -6 से बड़ा है, ठीक है, तो ये पहले लिख दिया। अब ये तो हो गया, अब कौन सा बाकी बच गया? ये लास्ट में बाकी बच गए, तो ये लास्ट में लिख ले, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। जब हम आ गए पार्ट सी पे, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉजिटिव सबसे बड़ा होता है, इसमें पॉजिटिव कौन कौन से? ये है, ये है और ये है, सॉरी ये वाला है, ये नेगेटिव। तो 15 और 13 पॉजिटिव है, पॉजिटिव में हम जानते हैं कि 15 13 से बड़ा है, तो 15 पहले लिख लिया और 13 इसके बाद लिख लिया, तो ये दोनों तो हो गए, ठीक है, ये दोनों हमने कर लिए। ये लाइंस आप लोग नहीं लगाए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अब ये दोनों मेरे, ये दो नेगेटिव मेरे पास बच गए, इनमें सबसे बड़ा जो होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा सबसे पहले लिखते। तो इन दोनों में बड़ा आप लोग लिख ले, ये 18 बड़ा है, लेकिन इसके साथ माइनस लगा दिया, तो ये और भी छोटा बन गया, ठीक है, मतलब ये छोटा है, तो फिर बड़ा कौन सा है? फिर बड़ा ये है, 6 बड़ा है फिर, ठीक है, तो फिर ये 6 बड़ा है, -6 और ये -18 इसके बाद ये अकेला बच गया, तो ये लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। जब हम आ गए पार्ट डी पे, तो पार्ट डी में हमारे पास ये नंबर्स है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले बड़ा वाला उठा लेंगे, और बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इसमें कितने हैं? ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला पॉजिटिव। अब इन दोनों में 23 बड़ा है, 14 से बड़ा है, तो ये सबसे पहले हुआ, फिर इसके बाद कौन सा है? 14 बड़ा है, तो ये हुआ, तो ये दोनों तो हो गए, ये दोनों हमने लिख लिए, ये और ये वाले। फिर ये नेगेटिव दोनों बाकी बच गए, तो इसमें सबसे बड़ा ढूंढना होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़ा लिखते हैं ना, तो 32 बड़ा है, लेकिन इसके साथ माइनस लगा दिया, तो माइनस लगाने से ये और भी छोटा बन गया, मतलब ये छोटा है, ये बड़ा नहीं है, फिर तो फिर कौन सा बड़ा है? तो फिर ये बड़ा है ना, -21, तो -21 फिर बड़ा है, ये हमने लिख दिया। और इसके बाद
ये आखिर में बच गया, तो ये सब के आखिर में लिख ले नेगेटिव 32, तो ये हमारा लास्ट। अब हमारा पार्ट ए है, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, तो सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे, और बड़ा वाला हमारे पास पॉजिटिव में होता है, तो इसमें एक ही पॉजिटिव है, मतलब ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें एक ही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 15, ये सबसे बड़ा है, अगर प्लस इसके साथ ना भी लिखे तो भी ठीक है, राइट। तो ये सबसे बड़ा है। अब इसमें नेगेटिव नंबर्स कौन से है, यहाँ पर मैं दिखा, अच्छा अब इसमें नेगेटिव जी तीन और बाकी बच गए, तो इनमें सबसे बड़ा हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, अगर आप लोग देख ले तो ये बड़ा दिखाई देता है ना, लेकिन इसके साथ माइनस है, तो माइनस लगाने से ये और भी छोटा बन गया, ठीक है, मतलब ये सबसे छोटा है, फिर माइनस लगाने से ये छोटा बन जाता है, तो ये तो नहीं है। फिर इन दोनों में देख ले, तो ये 23 बड़ा दिखाई देता है, लेकिन माइनस लगाने से ये और भी छोटा बन गया है, तो ये 23 भी नहीं है, तो कौन सा है, फिर ये वाला है, मतलब नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर जो हो वो बड़ा होता है, ठीक है, उलट बात है, तो मतलब ये बड़ा है इसके बाद, तो नेगेटिव 20 इसके बाद बड़ा है, ये भी हो गया। अब इन दोनों में सेलेक्ट करना है, ये बड़ा दिखाई देता है लेकिन माइनस के साथ है, तो फिर सबसे छोटा है, ठीक है, ये छोटा, ये बड़ा नहीं है, फिर माइनस के साथ, फिर इससे ये बड़ा हुआ, तो ये इसके बाद लिखेंगे नेगेटिव 23। तो इसके बाद बारी आ रहा है नेगेटिव, आ रही है नेगेटिव 23 की, ये हुआ। फिर ये लास्ट में बाकी बच गया, तो ये लास्ट में लिखेंगे नेगेटिव 45, तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा। अब हमारा पार्ट एफ है, तो इसमें सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, तो इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले जो बड़ा नंबर हो वो उठा लेते हैं, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव तो इसमें है नहीं, अब इसमें हमने ढूंढना होगा, ठीक है। तो नेगेटिव में उलट बात होती है, सबसे बड़ा नंबर जो होता है लेकिन नेगेटिव साइन लगा दे तो वो सबसे छोटा बन जाते हैं, मतलब ये 10 इसमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन ये सबसे छोटा है, क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो फिर ये तो नहीं है। फिर दूसरा बड़ा इसमें ये दिखाई दे रहा है लेकिन माइनस लगा के ये भी छोटा बन गया है, तो ये भी नहीं है। फिर इसमें सबसे बड़ा ये दिखाई देता है लेकिन इस के साथ माइनस है, तो ये भी नहीं है। तो फिर जब ये तीनों नहीं है तो ये रहेगा ना, तो ये लास्ट में ये सबसे बड़ा जो है नेगेटिव 2 है। फिर 2 के बाद हम बढ़ते जाएंगे, 2 के बाद 4 की बारी आती है, ये दोनों बड़े हैं लेकिन माइनस के साथ छोटे बन गए, 7 और 10, तो फिर क्या होगा, ये नेगेटिव 4 होगा, ठीक है। तो नेगेटिव 4 और नेगेटिव 2 हमने कर लिए। अब इन दोनों में से 7 और 10 में से कौन सा बड़ा है, बड़ा तो 10 दिखाई देता है लेकिन माइनस लगाने से और भी छोटा बन गया, मतलब 7 फिर इससे बड़ा है, नेगेटिव 7 बड़ा है, और ये लास्ट में नेगेटिव 10 आएगा। ये हमारा पार्ट एफ हुआ।